हम वैसे नहीं कर रहे, बोले कैसे करनी चाहिए, बोले निष्काम हो गए, कैसे करनी चाहिए, हमें निष्काम होकर के भक्ति करनी चाहिए। भगवान हमारे पिता, हम उनकी संतान हैं, हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना, लेकिन निष्काम होकर के सेवा करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवता भक्ति आही तुकी तोई। बोले हे प्रभु, हमें धन जान पुत्र परिवार में किसी चीज की जरूरत नहीं, जैसे जन्म जन्मांतर में तुम्हारी चरण की हमें भक्ति, आपकी हमें प्रेम दे दो, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। जब भगवान की प्रेम तुम्हें मिल जाएगी, भगवान की तुम संतान हो, संतान बन जाओगे, भगवान अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड का भगवान मालिक है, फिर तो सारे संपत्ति का मालिक तुम्हें बन जाओगे। इसलिए हमें अलग रूप में किसी चीज की कामना नहीं करनी चाहिए। और दूसरी नंबर, बोले अप्रतिहता भक्ति कैसे हो, बोले निरंतर जमई, कैसे हो भक्ति निरंतर जमई। उदाहरण दिया, जैसे आप किसी शहद को अगर ऐसे डालोगे ना, देखना उसमें एक धागा बन जाती है, उसी तरह भक्ति निरंतर जमई भक्ति होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यू, उसमें बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए हर अवस्था में भगवान को स्मरण करनी चाहिए। एक बार सबके सब हाथ उठाकर बोलो, बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। और एक बार जोर कर दो, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे और माता जो पीछे है ना, थोड़ा सा आगे उठेंगे, पीछे जगह दे दे, जो माता आएंगी वो पीछे बैठ जाएंगी। इसलिए भक्ति निरंतर जमाई होनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, देखो कि सयने कि भोजने कि बा जागरणे अहर निश चिंत कृष्ण बलवदने। महाप्रभु ने कहा, सोते उठते जगते हर समय क्या करो, भगवान को स्मरण करो, भगवान को स्मरण करो, हाथों में जो कुछ कर ठाकुर को सेवा मान करके करो, और मुंह में क्या करो, ठाकुर जी का नाम, हाथों में काम और मुंह में नाम, बस बैठ बैठ करके उधार। और भगवान विशेष करके कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा, ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान के नाम को ही जप करो, उससे ही कल्याण है। कल दूसरी जो प्रश्न थी बताओ, पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, दूसरा जो प्रश्न किसको याद है, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो तुम बोलो। हाँ, इसलिए दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, क्योंकि जब तक ये जीव भगवत प्राप्ति नहीं करेगा तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या है भगवत प्राप्ति की, इसका उत्तर श्री सुत गोस्वामी देते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानं इच्छताम् अपोतभयम् जोगिनाम नृप निर्मित हरि नामानुकीर्तनम। बोले एतत् निर्विद्यमानम्, जो व्यक्ति संपूर्ण रूप में संसार से मुक्त हो गया है और जीवन में जो अभय पाना चाहते हैं, हैं? जोगी नाम नृप निर्मित, जितने जोगी वो सब के सब एक ही बात कहते हैं, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय है, बोले कलयुग के बलना
कलयुग के भगवान की नाम जप करना केवल शुरू कर दे, उसको साथ साथ में तीन काम होना आरंभ हो जाता है। बोले क्या तीन काम है? बोले जम महाराज उनको दूतों को कहते हैं, जम महाराज चित्रगुप्त को कहते हैं। बोले देखो रजिस्टर से उसका नाम को काट दो, क्या करो वो और जमपुरी नहीं आएगा, इसलिए उसको नाम को पहले काट दो, क्योंकि वो भगवत का नाम करना शुरू कर दिया। दूसरा काम क्या है? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जब वो जीव प्रभु का भजन करता है, वो धीरे धीरे सब लोग को पार करते करते सीधा वो गोलोक वृंदावन में जाएगा, सारे धाम को पार करते करते। इसलिए श्री ब्रह्मा जी थाली में आरती लेकर के वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जब भूर भुव मोह जन सब लोग को पार करते हुए जाएगा, ब्रह्मलोक भी क्यों पार करेगा, इसलिए वो आरती थाला में आरती को तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उसको आरती उतारने के लिए। बोले तीसरा काम किया, बोले राधा रानी अपना सखियों को कहते, बोले सखियों इसकी रजिस्टर में इसका नाम को लिख दो, इसके नाम को उसमें लिख दो, क्योंकि एक दिन वो इसी गोलोक वृंदावन में आएगा। जो व्यक्ति इसी जगत में प्रभु का केवल नाम जप करना शुरू कर दे, उसको साथ साथ में तीन काम होना शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते हैं, बोले माँ जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, समझो वो पूर्व जन्म में चार काम को कर चुका है। आप लोग ध्यान देकर सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? ध्यान देकर भी जब कोई व्यक्ति प्रभु का नाम जप शुरू कर देता है, क्या होता है उसको, पूर्व जन्म में वो चार काम कर चुका है। बोले चार काम क्या कर चुका? बोले पूर्व जन्म में सारे यज्ञ उसने कर चुका है। पूर्व जन्म में पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, सारे तीर्थ वो घूम चुका है। पूर्व जन्म में उसने सारे दान पुण्य कर चुका है, और पूर्व जन्म में सारे तपस्या वो कर चुका है, तभी इसी जीवन में उसका मुंह से प्रभु का नाम निकलता है। आप देखना आप लोग तो भक्त लोग बैठे हुए हो, आप तो हर समय प्रभु का नाम जप करते हो, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं दिन भर बैठ करके गप्पे मारते रहेंगे, उसकी बेटी ने ऐसे कर दिया, उसकी बहू ने ऐसे कर दिया, उसको घर में ऐसे हो रहा है, उसको बोलो थोड़ा हरिनाम का प्रति ही नहीं कर सकता, क्यों पाप है ना। इसलिए जिस समय नारद जी वाल्मीकि को बोला तू राम का नाम ले, उसका मुंह से राम नाम नहीं निकला, बोले क्यों, वो पापी है, वो पापियों को मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलती, पुण्यात्मा ही प्रभु का नाम ले सकते। एक समय कोई एक बुढ़िया थी, वो मरने जा रही थी और तरह तरह का पकपक पकपक कर रही थी, बेटी को हर महीना में हर साल में कुछ देते रहना, वो बेटे को देखते रहना, उसको बहू को देखते रहना। बच्चों ने कहा माता जी आप कोई चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे, इसलिए दूसरा राम राम राधे राधे तो बोल दो। बोले इतना मेरे से बोला नहीं जाता, कितना बोल दिया, इतना मेरे से बोला नहीं जाता, उसने 12 अक्षर बोल दिया, लेकिन जो राम और राधे जो 2 अक्षर ना उसको मुंह से नहीं निकला। लेकिन उसके जो पोते थे ना वो बड़े चतुर थे,
बोले दादी जी तुम क्या नहीं बोल सकते हो। बड़े चतुर थे, वो सोच रहे थे इतना तो बोलेगा राम राम राधे राधे नहीं बोल सकता हूँ है। बोले दादी जी तू क्या नहीं बोल सकती हो। बोले तू जो बुलवाना चाहता है ना वो ही नहीं बोल सकती, तुम जो बुलवाना चाहता नहीं वही और सब बोल सकती हूँ। इसलिए यहाँ पर श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं हे सौनदाद ऋषियों जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय हुआ है वही व्यक्ति ही प्रभु का नाम जप कर सकता है। सबका मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलेगा, इसलिए क्या करो सबके सब भगवान की नाम जप करो। एक बार हाथ उठा कर देखो इधर सामने जो बैठे हैं ना चुपचाप बैठो नहीं तो पीछे चले जाओ। जो सामने बैठे हो चुपचाप बैठो नहीं तो पीछे चले जाओ ठीक है। यहाँ पर कोई बात नहीं करना। हाँ हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 देवता दैत्य और श्री मानव में लड़ाई शुरू हो गया। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे और देवता बोले मानव बोले हम लेंगे। अभी तीनों में लड़ाई हुई। बोले भैया एक काम करो ये ग्रंथ जिसने बनाया उसको पास में चलो। बोले ये ग्रंथ को बनाया किसने, कहते श्री शंकर जी श्री भोले बाबा ने इसको बनाया। बोले चलो श्री भोले बाबा को पास में चलते हैं। अभी श्री शंकर जी को पास में गए, शंकर जी बोले देखो झगड़ा मत करो तुम तीनों बैठ जाओ तीनों में मैं आपस में बंटवारा कर देता हूँ। अभी 100,000 श्लोकों को उन्होंने तीन भाग किया। अभी 100,000 को अगर तीन भाग करोगे कितना आएगा, 30,000 30,000 30,000 तीनों को दे दिया। अभी कितना रहेगा बाकी रह जाएगा, कितना रह जाएगा 10,000। अरे 10,000 को उन्होंने फिर 3,000 3,000 3,000 दे दिया, कितना रह जाएगा 1,000। फिर 1,000 को उन्होंने फिर बंटवारा करवाया। देखो ये जो बच्चे को ना तुम पीछे चले जाओ, ये बच्चों को लेकर पीछे बैठो, अगर यहाँ बैठना तो बच्चों को लेकर नहीं बैठना, जाओ तो पीछे जाओ, फिर दो बार बच्चे नहीं आने चाहिए ठीक है। इसलिए उन्होंने फिर 300 300 300 उन्होंने बंटवारा कर दिया, कितना ले जाएगा 100। फिर 100 को उन्होंने 30 30 और 30 कर दिया, कितना ले जाएगा 10। फिर 10 को उन्होंने 3 3 3 दे दिया, कितना ले जाएगा 1। कहते एक श्लोक में चार चरण होता है, जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये एक चरण है, सम वेद दुजुष्टवा ये एक चरण है, बोले माम कहा पांडवाश्चैव ये एक चरण है, बोले कीम अपूर्वं संजय ये एक चरण है, ये चार ही चरण है। अभी चार ही चरण फिर तीनों में बंटवारा करवाया, एक चरण एक चरण एक चरण रह गया एक चरण। कहते एक चरण में 8 अक्षर होता है, कितना अक्षर होता है 8। 8 अक्षर को फिर उन्होंने बंटवारा कराया, 2 2 2 अब कितना अक्षर बच जाएगी 2। कहिए 2 को क्या है, बोले कृष्णा ने कहा, ये 2 अक्षर बच गया। शंकर जी ने कहा देखो मैंने इतने कष्ट करके मैंने बंटवारा करवाया इसलिए मुझे तो कुछ मिलनी चाहिए ना,
ये दो अक्षर केवल मुझे दे दो, कहते ये दो अक्षर क्या है, कहते कृष्णा नहीं तो राम। इसलिए शंकर जी ये दो अक्षर को अपना कंठे में धारण कर लिया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भले महामंत्र जय जप गोस्वामी जी कहते हैं भले सो मेरी पवन बोले देखो बाहन चूहा बाहन
और जहां के तहां बैठा हुआ बोले तीन तीन बार परिक्रमा लगाए, सबके सब उठा लगा कर कैसे। फिर उन्होंने भगवान का नाम को व्याख्या की, हरि से बड़ा हरि का नाम, इनकी जय जयकार हो गया, इनकी जय जयकार हो गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भले माही माजा सो जान गान राओ, माही माजा सो जान गान राओ, प्रथम पुजियता नाम प्रभाओ, प्रथम पुजियता गणेश जी की। इसलिए पहला पूजा होती है हिंदी, आप लोग समझते कि नहीं, कौन कौन हिंदी समझते हो? देखो ये प्यार में कहते हैं महिमा जासु जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, केवल नाम की प्रभाव से इनका पहला पूजा होती है। बताओ दुनिया में मीरा की पूजा क्यों इतना होती है? ठाकुर का नाम लेती है। श्री प्रहलाद का, ध्रुव जी का नाम जगत में क्यों पूजा होता है? केवल प्रभु का नाम जप करते थे। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप करेगा विश्व ब्रह्मांड में उनकी जय जयकार हो जाए, उसकी जय जयकार हो जाएगी। इसलिए क्या करनी चाहिए? हमें भगवान के नाम को जप करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भले नाम नाम कारी बहुधा, निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरण काल। देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, भगवान कितने दयालु, भगवान कितने कृपालु, कलयुग में प्रभु का नाम कितने सरल कर दिया। महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कारी कितना हरि अनंत हरि तथा अनंत, भगवान कितने नाम है, कितने अनंत नाम है। इसलिए हमारे संप्रदाय में श्री भक्ति विनोद ठाकुर हुए, उनने तो पूरा नाम को दे देकर के कीर्तन किया, सुंदर नाम को दे करके। क्या नाम है? जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय माधव जय कुंज बिहारी, जय गिरिवर
नाम का ही बोलगा, कितने ठाकुर का नाम, कृष्णा गोविंद दामोदर, कितने नाम है, उन्होंने प्रभु का नाम में सारे शक्ति भी उन्होंने दे दिया। इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है, सारे शक्ति प्रभु प्रभु का नाम में दिया। कृष्णा राम किसको उद्धार नहीं किया, कृष्णा भी किसको उद्धार नहीं किया, राम किसी को उद्धार नहीं किया, किसको उद्धार किया है, राम भी किसको उद्धार नहीं किया, कृष्ण किसको उद्धार नहीं किया। और राम जो आए ना उनके साथ में जो हनुमान जी सुग्रीव वो कौन थे, वो राम का भक्त ही थे, उनको भक्तों को लेकर के आए, भक्तों को लेकर विदा किया, भक्तों को लेकर चले गए। कृष्ण भी किसको उद्धार नहीं किया है, राधा रानी कौन है, ये सखियाँ कौन है, वो कृष्ण का सबके सब परिकर है, वो अपना भक्तों को लेकर के आए और भक्तों को साथ में लीला की और भक्तों को लेकर के चले गए। इसलिए उन्होंने किसी को उधार नहीं किया, लेकिन अभी कौन उधार कर रहे हैं हमें, अपना उनका नाम छोड़ कर गए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वो कह रहे हैं अपना माँ को, बोले माँ कलयुग में और मेरे दो अवतार होने वाला है, ये चैतन्य महाप्रभु अपना माँ को कहते हैं कलयुग में और मेरे दो अवतार होगा, और दो अवतार में तो मेरे जन्म जन्मांतर की माँ है, जब मैं कृष्ण रूप में आया था तो मेरी जसोदा बन करके आई थी, जब मैं वामन बन करके आया उसी समय तुमने मेरी माँ बन करके आई थी, फिर कलयुग में और दो अवतार में लेने वाला हूँ उसी में भी तुम्हेरी माँ बनी। बोले क्या बेटा कौन सा अवतार लोगे, बोले कलयुग में अपना नाम रूप में अवतार लेने वाला, जब मैं जगत में नाम रूप में आऊंगा तो मेरी माँ बनोगे, बल उसी समय में तुमने कौन सा माँ बनूंगा, बोले ये जीवा, ये जो जीवा हम नाम कैसे लेते हैं, ये जीवा से उच्चारण करते हैं, उसी समय तुम्हेरी माँ रूप में तुम जीवा बनकर के आओगे। फिर दूसरा अवतार लूंगा, बोले कैसे, जो ठाकुर जी बैठे हैं ना, जैसे गोपाल लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण बैठे हैं, बोले एक अच्छा अवतार में आ गया, उसी समय तो पृथ्वी रूप में तेरी मेरी माँ बनोगे। इसलिए भगवान कलयुग में विशेष पूर्वक ये जो दो अवतार हैं हमारे लिए बहुत कल्याणदायी है, एक उनका नाम है और उनका जो विग्रह ठाकुर जी, घर में जो ठाकुर जी की हम पूजा करते हैं, ये दो रूप में महाप्रभु कलयुग में नाम रूप में आए। और उन्होंने कृष्णा तो चले गए, राम तो चले गए, लेकिन उन्होंने क्या छोड़ कर गए, अपना नाम को और ये विग्रह को छोड़ कर गए, जिसको दर्शन करके हमारी कल्याण हो रहा है, हमारी उद्धार हो रहा है। इसलिए बोले मैं अपना नाम में सारे शक्ति को मैंने दे दिया, सारे शक्ति मेरे नाम में है, नियमित स्मरण न काल। मैंने ये नहीं बताया, देखो जब अपवित्र अवस्था में तुम जप नहीं कर सकते हो, केवल पवित्र अवस्था में जप कर सकते, मैंने ये भी नहीं बताया, किसी अवस्था में भी कर सकते हो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक समय शौच क्रिया में जा रहे थे और अपना जीवा को इसे पकड़ कर रखे थे, उनका एक भक्त था जिनका नाम था गोपाल, बोले प्रभु आप ये जीवा को खींच कर क्यों रखे हो, बोले गोपाल ये जो जीवा है ना वो मान ही नहीं रहा है, हर समय हरे कृष्ण 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 कर रहा है, अभी मैं शौच क्रिया में जा रहा हूँ, ये अपवित्र अवस्था में ये जीवा देखो प्रभु का नाम ही नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने कहा प्रभु अगर कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेट हुआ, बिस्तरा में ही टाटी पेशाब कर रहा है, वो तो फिर हर समय अपवित्र तो रहेगा, है क्या वो प्रभु का आपका नाम नहीं लेगा, प्रभु का नाम नहीं लेगा, फिर उसको उद्धार कैसे होगा। जब उन्होंने ये बात बताई ना महाप्रभु बड़े खुश हो गए, बोले गोपाल आज से तुम गोपाल नहीं, आज से तुम गोपाल गुरु हो, महापुरुष का गुरु आख्या उन्होंने दिया। इसलिए अजामिल ने जब नाम लिया, देखो ठाकुर का नाम में कितनी शक्ति, अजामिल जिस समय नाम लिया वो बिस्तरा में लेटा हुआ था, वो टाटी पेशाब कर रहा था उस समय, हाँ वो अपवित्र अवस्था में था, उन्होंने भगवान को नहीं बुलाया, किसको बुलाया था, अपना बेटे को बुलाया, नारायण बोल करके उन्होंने दूर से देखा, वहां पर खेल रहा था, उन्होंने अपना बेटे को नारायण, उसने अपना बेटे को बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया, क्योंकि जमदूत उसको लेने के लिए आए थे। हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य को द्वारा सारे कर्म करते हैं, इसलिए मरते समय तीन जमदूत उसको लेने के लिए आए, लेकिन उसने जोर से बोला
बेटा नारायण इतना करे ना रा या ना, ये चार यज्ञ करे। जब उसने बेटा का नाम नारायण पुकारा, देखा चार वैकुंठ से विशुद्ध तो आ गए। बोले माँ भयो डरने का कोई बात नहीं, हम तुम्हें रक्षा करेंगे, हमें तुम्हें रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। फिर विष्णु दूतों ने जम दूतों को देखो, प्रभु का नाम में कितने शक्ति है, अगर बेटा का नाम भी आप नारायण रख लिया तो कितने शक्ति। इतने में विष्णु दूत ने कहा भैया तुम लोग है कौन? बोले हम धर्मराज, धर्म जम का एक नाम धर्म राजा है। बोले हम धर्म राजा का दूत है। बोले धर्म का नाम पर अधर्म कर रहे हो। बोले अधर्म क्या, आपको पता है ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, पत्नी कम उम्र की बड़ी सुंदरी है और ये सर्वगुण संपन्न था, लेकिन इसने अपना पत्नी को त्याग दिया और एक वेश्या को साथ में रहा, उसकी हाथ में अमित कुमित सब कुछ भोजन किया, दस दस उसको बच्चे हुए। अब उसको पालन करने के लिए चोरी डाकू गुंडागर्दी सारे पाप कर्म किया, ऐसे कोई पाप कर्म नहीं जो उसने किया ही नहीं, ये तो सीधा नरक जाएगा। तब विष्णु तो कहते हैं बड़ा आश्चर्य की बात है, ¡Gracias!
बच्चे का नाम भी भगवान का नाम पर रख दिया, अगर भूल से भी बच्चे का नाम ले लिया ना, फिर उसमें कितनी शक्ति है। इतने में जंदुत कहते हैं, बोले इतना बड़ा पाप किए आपको पता ही नहीं। विष्णु दूत ने कहा कुछ पुण्य भी तो किया है। बोले क्या पुण्य किया? बोले अंतिम समय में जो ठाकुर जी का नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप करते रहो और मरने से पहले एक बार नाम ले लो, हो जाएगा, सब हो गया। तब विष्णु दूत कहते हैं, बोले मूर्खों तुम्हें क्या भगवान के नाम की महिमा तुम्हें क्या पता है? हैं? उसने जब बेटा का नाम पहला बार नारायण रख लिया था, उसी से ही सारे पाप उसकी खत्म हो गए। अभी जो बारंबार बेटे को नारायण नारायण बोला, जैसे माला में नाम जप करते हैं ना, उसको ऐसे ही जैसे माला में नाम जप करना हो गया। और जो अंतिम समय में जो भगवान के नाम लिया, कहते हैं ना, बोले जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, जनमा जनमा मोनी जाता जन्म जन्म मुनि जतन करा। इसका एक अर्थ है, मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतराम कहीं आवत नहीं, अंतिम समय में प्रभु का नाम निकलना बड़ा कठिन। इसका एक अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ क्या है? कोई कहते हैं ना, अरे अभी से नाम करने का क्या जरूरत है, हम क्यों मरने वाले हैं, बुढ़ा बुढ़ी हो गए हैं, अभी ये बचपन से हरिनाम क्यों करेंगे, जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे जो सारे काम खत्म हो जाएंगे ना, हैं, सारे काम जब निपटा देंगे तब तो भजन करेंगे। बोले भैया तू स्वयं निपट जाओ, तेरे काम नहीं निपटेगा। किसको बोलो ना कथा सुनने के लिए? बोले सारे काम निपटा करके आऊंगा। बोले तू निपट जाओगे लेकिन काम कर नहीं निपटेगा तब, अभी तो किसे काम निपटा है कोई दुनिया में। इसलिए इसका एक अर्थ है, कोई बोलते ना बुढ़ापा में भजन करेंगे अभी से क्या? बोले नहीं, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं तभी अंतराम कहीं, तभी अंतिम समय में मुंह से प्रभु का नाम निकलेगा। भैया रील में जो भरोगे वही तो निकलेगा ना, जिंदगी भर तो कचरे भर दिए, प्रभु का भक्ति तो भरा ही नहीं, अब बोलोगे अंतिम समय में नाम निकलेगा। अरे रील में तो कचरे भरे हो, कचरे तो भरेगा निकलेगा। इसलिए अगर बचपन से अगर प्रभु की भक्ति की अगर आदत डालोगे फिर अंतिम समय में कहीं प्रभु का नाम निकलेगा। इसलिए बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं फिर अंतराम कहीं, तभी अंतिम समय में राम कह पाओगे, नहीं तो राम नहीं निकलेगा, राम नहीं निकलेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, भैया जब मिट्टी कच्चा होना, कच्चे मिट्टी में कुछ बना सकते हो, जब मिट्टी पक जाए वो कुछ बनेगा नहीं उसमें हैं। इसलिए जब बांस कच्चा हो जैसे टेढ़ा करना वैसे टेढ़ा कर सकते हो, पर बांस जब पक जाए वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा हुआ नहीं होगा, वो टूटेगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा है। इसलिए भक्ति बचपन से करनी चाहिए। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं फिर जाकर के अंतराम कही।
फिर मुंह से अंतिम समय में राम निकलेगा, फिर अंतर राम कहीं फिर आ बतना है, फिर संसार में दोबारा तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर श्री जमदूत कहते हैं, विष्णुदूत कहते हैं, उसने जो प्रभु का नाम रख दिया था, जो उसने प्रभु का नाम जब रखा उसको सारे पाप से मुक्ति हो गई। लेकिन जो नारायण इधर आ जाओ बेटा, नारायण मेरे गोद में आ जा, नारायण मेरे लिए पानी ले आ बेटा, नारायण तू कहाँ हो, तो जैसे माला जप करते ना जैसे हो गया, माला जप करना हो गया। लेकिन अंतिम समय जो नाम निकली ये प्रभु की कृपा। फिर जमदूत फिर कहते हैं, वो आर्गूमेंट देते हैं, बोले भगवान को तो पुकारा, वो तो अपना बेटे को पुकारा, वो भगवान को नहीं पुकारा था, वो अपना बेटे को बुलाया था। तब श्री जमदूत कहते हैं, भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। बोले पहला नंबर क्या, बोले सांकेत्यम संकेत, मतलब है जैसे बेटा का नाम कृष्ण राम रख दिया, बार बार इशारा करके बेटा राम बेटा कृष्ण इधर आ जाओ, उसको संकेत कहते हैं। बोले इसी को द्वारा भी जीव का कल्याण होता है। इसलिए हमारे गुरु जी एक कथा सुनाते थे, पहले जंगल जाता है, जंगल जंगल होता था, पांच डाकू जंगल में रहते थे और भगवान का नाम को इशारा लेकर करके चोरी करते थे। जब कोई व्यक्ति जंगल होता था, जंगल देखकर सब लोग जाते थे, पहला व्यक्ति खड़ा रहता था, अगर देखता था कोई व्यक्ति आ रहा है ना, बोलता था नारायण, नारायण भगवान का नाम है, हर जीवों का जो आश्रय देने वाले, नारायण सब जीव का आश्रय देने वाले। लेकिन वो क्या बोलता था जानते हो, दूसरे डाकू को इशारा करता था, चोर को, नारायण नारायण मतलब एक इंसान आ रहा है, शब्द हो जा, नारायण मतलब एक व्यक्ति आ रहा है। जब दूसरे व्यक्ति को पास में पहुंचे, बोले गोपाल गोपाल, गोपाल मतलब है जो गैया को पालन करने वाले, कृष्ण है। अरे गोपाल मतलब होता है ग्वाला, बोले भैया ये लगता है आदमी बड़ा बेवकूफ आदमी है, इतना बुद्धि बुद्धि है ही नहीं। जब तीसरा व्यक्ति को पास में पहुंचे, बोले दामोदर दामोदर, कृष्ण को मैया ने उपल में बांध दिया इसलिए दामोदर नाम पड़ा। वो कहता था दाम कितना चमड़ी और दमड़ी, दाम मतलब होता है पैसा, उधर मतलब कमर, बोले भैया इसका कमर में माल है, उस पर इशारा करता था हाँ दामोदर दामोदर। चौथा व्यक्ति को पास में पहुंचे, बोले वासुदेव वासुदेव, वसुदेव का बेटा वासुदेव। लेकिन वो कहता था भैया बांस लाओ और उसको पिटाई करना शुरू कर दो, बांस लाओ पिटाई करो। जो पंचमा व्यक्ति को बांस में पहुंचना, बोले हरी हरी, बोले जो कुछ हड़प लो इसका बांस में, जो कुछ उसको हड़प लो। और जो पांच चोर थे ना, वो भगवान का नाम को इशारा करके चोरी करते थे। जब दामोदर हैं जब बोल रहे थे, गोपाल बोल रहे थे, तुम्हें बिजली गिरी, बिजली गिरी तो पांच को पास समाप्त। लेकिन अंतिम समय में चूंकि ठाकुर का नाम ले रहे थे, पांचों को पांच को मुक्ति मिली गई। इसलिए भगवान का नाम अगर संकेत पूर्वक भी जप करो उसको कल्याण। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, सारे बच्चों का नाम कृष्ण दामोदर हाँ राम लक्ष्मण भरत सब सब ये नाम रखते थे, जितने बड़े बूढ़ों का नाम उसको यहाँ पर सब भगवान का नाम। लेकिन अभी ये अंग्रेजी सभ्यता आकर के, ये अंग्रेजी आकर के ना सभ्यता ये सारे हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है। हम सोचते हैं हम बच्चों को तो हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी नाम प्रिंस और पता नहीं टुन्नो बुल्लू टुमको और जितने विदेश में कुत्ते हैं ना, सब कुत्तों का नाम और बच्चों का नाम रखवाते हैं। कहते अरे ये कृष्णा गोविंदा नाम तो ये सब पहले पुराना नाम था, हैं अभी तो हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बार जाओ, बार बार बताओ। अभी बच्चों का अंग्रेजी नाम रखें, कुत्तों का नाम रखें, नहीं ये नाम नहीं रखनी चाहिए। इसलिए वृंदावन को अनुकरण गए हो, वहां पर जाना एक इस्कॉन मंदिर है, आप वहां जाओगे ना देखना छोटे छोटे बच्चों को नाम पूछना, लड़की लड़कों का नाम पूछना, कृष्ण गोविंद दामोदर राधा कांत राधा रमन, लड़का लड़कियों को ललिता विशाखा शकुंतला राधा अनुराधा कृष्ण प्रिया, सबके सब बच्चों का नाम देखोगे। हम तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अगर जो अंग्रेजी बोल दिया ना हमने क्या कर देना, लेकिन वो लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं कहते, राधे राधे राम राम हरे कृष्ण। वो अंग्रेजी लोग हमारी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं,
उनने खा करके जो नफरत हो करके छोड़ दिया, फेंक दिया और उसको उठा उठा कर खा खा करके हम कतबा हर क्या सक्सेसफुल लाएंगे, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। वो अपना संस्कृति को हैं, वो अपना संस्कृति छोड़ करके हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। मैं पहले बोल रहा था ना, रसिया में लड़कियां सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, जानते हो क्यों? हम साड़ी पहन करके कॉलेज क्यों नहीं जाए, लेकिन हमारे देश में लड़कियां बोले हम जीन्स पहन करके कॉलेज क्यों नहीं जाए। वो हमारी शिक्षा ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उनको शिक्षा को ले रहे हैं। नहीं, अपना शिक्षा में आनंद है, अपना संस्कृति में शांति सुख है, भाई भाई हाँ इसमें जो संबंध है अच्छे संबंध है, इसलिए हमें अपना संस्कृति को दृढ़ करके रखनी चाहिए ना, ठीक है ना? एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे सोते हर समय प्रभु का नाम ले सकते हैं। लेकिन महाप्रभु एक बात कह रहे, ध्यान देकर सुनो, ये सुनने का लायक है। महाप्रभु कहते हैं मैंने इतने सरल बना दिया, उठते बैठते पवित्र अपवित्र कोई विचार नहीं, प्रभु का नाम लो। दूसरे दूसरे युग में था सत्य युग में ध्यान सुने होंगे, दस दस हजार बीस बीस हजार फिर न साठ हजार तक बिना खाए पिए एक अंगूठा के ऊपर में खड़े होकर तपस्या की। वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि क्यों नाम पड़ा? इसलिए पहले दशरथ ना करता, इसका वाल्मीकि नाम क्यों पड़ा? उन्होंने प्रभु का नाम जप करते करते दिमाग को पूरा मांस को चाट लिया शरीर में, केवल हड्डी हड्डी रह गया। जब श्री नारद जी आए देखा उसका बच्चे को अंदर में राम 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 प्रभु का नाम निकल रहा था, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि नाम पड़ा। लेकिन कलयुग में ये तो बिना खाए पिए दस दस बीस बीस हजार साठ हजार साल तपस्या किया। कलयुग में एक दिन कोई व्रत रखा ना, बोलो भैया ये काम कर दो, बोले आज हमने व्रत रखा है, आज हमने व्रत रखा है, मतलब एक दिन भी। क्योंकि कलयुग का जो जीव है ना ये अन्नगत प्राण है, पहले था मज्जा में प्राण, जब तक अगर मैं दाल चावल सब्जी डालोगे तब तक ये शरीर काम करेगा, नहीं तो राम नाम सकते हैं। इसलिए भगवान ने देखा ये ध्यान नहीं कर सकते हैं, और ध्यान करने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। लेकिन कलयुग में आप बैठो ध्यान करने के लिए, वो तो ध्यान शिविर खोलते थे ना, बोले झूठा है, कलयुग में ध्यान है ही नहीं। आप बैठो ध्यान करने के लिए, मन को एक सेकंड के लिए भी मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हैं कोई किसने ध्यान शुरू बोला था, और कुछ लोग गए ध्यान करने के लिए, मैंने आया तो मैंने पूछा भाई क्या क्या ध्यान किया, बोले ध्यान क्या मैं आंख बंद करते मेरे नींद आ गई सो गया। अरे ध्यान क्या करोगे जो पहले तुम्हारी अंदर में होगा, जो रील में भरोगे वही तो ध्यान होगा ना। इसलिए कलयुग में ध्यान नहीं है। और त्रेता युग में था यज्ञ, अभी यज्ञ करने के लिए पहले शुद्ध ब्राह्मण चाहिए जो संस्कृत उच्चारण करता है, सही संस्कृत पढ़ा, हर्ष और दीर्घ प्लुत ये तीन स्वर में ये वेद मंत्र को उच्चारण करनी चाहिए। अगर स्वर की थोड़ी अगर उल्टा पुलटा हो गया ना, हर्ष में दीर्घ दीर्घ में प्लुत हो गया, उसका उल्टा रिएक्शन हो जाएगी, पूरा उल्टा। इसलिए यज्ञ करने के लिए पहले निष्काम ब्राह्मण चाहिए। इसको जाकर के यज्ञ के लिए बताओ, पहले तो पैसा की बात बोलेगा, बोले पाँच हजार रुपया दोगे तब तो यज्ञ करेंगे, बोले जब लोग आ गया ना यज्ञ का फल खत्म, फिर संस्कृत तो पढ़े ही नहीं, फिर घी अभी प्योर घी मिलता है चर्बी मिलाया है वो पता नहीं, फिर कैसे देवता ग्रहण करेंगे? हवन सामग्री वो भी उल्टा पुलटा चीज में है, गाड़ी का जो तेल बचा हुआ तेल दे करके बुरा दामे मिला मिला करके हम देवता ग्रहण ही नहीं करेंगे सब चीज को। फिर एक यज्ञ करने के लिए कितने पैसा की जरूरत होती, भैया कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? इसलिए देखा यज्ञ असंभव है। फिर द्वापर युग में था अर्चन, अभी अर्चन करने के लिए धूप दीप नैवेद्य अगुर चंदन कर्पूर
फूल माला, फिर पंचामृत लाओ, दूध दही शहद है घी, ये पंचामृत लाओ। वे कहाँ से इतना लाएंगे? इसलिए भगवान ने देखा कलयुग में ऐसे एक उपाय रखे दिया जाए जो बिना पैसा में है, बिना कष्ट से हो जाए। इसलिए भगवान बहुत सोच सोच करके कलयुग की जीव के लिए बोले, कुछ भी तुम्हें करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर जी का थोड़ा नाम जप कर लो, बस थोड़ी सी केवल नाम जप कर लो। इसलिए गोस्वामी जी बोले, कलयुग केवल, केवल मतलब क्या? केवल हरि का नाम और कुछ नहीं, और कुछ करने का जरूरत नहीं। इसलिए बोले, सुमेरी सुमेरी नर उतर लिया, बस ठाकुर जी के नाम को सुमरण करते करते अंतिम समय जास बेड़ा पार। अब देखो, आप जिंदगी में जो कुछ करना करो, ध्यान देकर सुनो, जिंदगी में जो कुछ करना जिंदगी में कर लो, लेकिन जब शरीर छिटेगी, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, बताओ तो क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? यही तो बोलेंगे ना, यही तो बोलेंगे ना, और तो कुछ बोलेंगे नहीं। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब परिवार झूठा है, सब तुम्हारी झूठा है, जितने प्रभु का नाम जब किया वही जा रहा है। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पान, पायो जी मैंने राम रतन धन पान, पायो जी मैंने राम रतन धन पान, पायो जी मैंने राम रतन धन पान। बस तो यहाँ देख कि मेरे सतगुरु, बस तो राम रतन धन पान, राम रतन धन पान। लेकिन कलयुग का जीव देखो कितने पापी है, तब भी कलयुग में प्रभु का नाम नहीं लेना चाहते, तब भी प्रभु का नाम नहीं लेके बैठ करके भरी के सारा दुनिया गप्पे मार लेंगे, सारे चुगली उल्टा पुल्टा बात कर लेंगे, बोले भैया एक माला जप कर, वही टाइम कहा। इसलिए महाप्रभु कहते, बताओ इनके लिए मैं क्या करूं? अगर इसी कलयुग में अगर तुम्हारी उद्धार नहीं हुआ ना, कहते भैया करोड़ों करोड़ों जन्म में और तुम्हारी मुक्ति होने वाले नहीं। और ये कलयुग है ना, ये धीरे 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 घोर कलयुग, अब देख रहे हो धीरे धीरे कलयुग कैसे बढ़ रही है, झूठ बेईमानी मार पीट जात भेद, और धीरे धीरे ये बढ़ेगी। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो ठाकुर का नाम लो और ठाकुर के पास में चले जाओ, जितने जल्दी जल्दी हो ठाकुर का नाम लो
अगर दूसरा कार्य जन्म लोगे ना और कलयुग दिखेगा, मार पीट मार खाई खाई बड़ा घना घोर युद्ध बहुत भयानक युग आने वाले, इसलिए जल्दी जल्दी प्रभु का नाम लो और ठाकुर के पास में चले जाओ, ठीक है। अगर हाथ उठा रहे बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 भगवान का अनंत नाम है, अभी हमें कौन सा नाम जप करनी चाहिए। यह हमारी कली संतरण उपनिषद में बताया ये चार युग के लिए चार ही मंत्र है। बोले सत्य युग में लोग कौन सा मंत्र जप करते थे, बोले नारायण परा वेदा नारायण परा मोक्षा नारायण परा मुक्ति नारायण परा गति, यदि ये था सत्य युग में लोग इसको यही मंत्र जप करते थे, ये सत्य युग का महामंत्र। बोले तृतीया युग में कौन सा नाम जप करके लोगों का उद्धार होता था, बोले राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन, ये तृतीया युग में एक अलग नाम था। बोले द्वापर युग में लोग कौन सा नाम को लेकर के जप करते थे, बोले हरि मुरारी मधुकैट भारी गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रक्ष, ये द्वापर युग का महामंत्र है। बोले कलयुग का महामंत्र क्या है, ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये कलयुग का ये महामंत्र है। इसलिए और कोई नाम नहीं, यद्यपि भगवान का अनंत नाम है, लेकिन अनंत नाम होने पर भी ये कलयुग के लिए जो नाम है ये महामंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें जप करनी चाहिए। इसलिए बोले भगवान की अनंत नाम है, बोले जगत में सबसे मधुर नाम क्या है, जगत में सबसे मधुर नाम क्या है, इसलिए ये शंकर पार्वती का संवाद है, ध्यान देकर सुना। जगत में सबसे मधुर नाम कौन सा नाम है, इसलिए वहां हर साल में सुनाता हूँ। एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु कौन सा नाम लो हम जब तक हरे कृष्ण, थोड़ी थोड़ी माता है थोड़ा इधर सरकार हुई, अरे वो जो लोग हरे कृष्ण थोड़ी सी जो माता है पीछे से आई और पीछे बैठे और पीछे से आगे थोड़ा सा और सरकार, हाँ थोड़ी सी धीरे धीरे खींचने जाओ, आगे आने की आगे आगे इतना जगह पड़ा हुआ और खींचने जाओ, लगता है बर्फ जैसे जम गए समझे सब, थोड़ी सी और थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, थोड़ी सी और थोड़ी थोड़ी आ जाओ, आगे करा दे बस वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम जय जय श्री राम सरकार सुनते जय जय कृष्ण हरे, एक एक माता है दो दो माताओं का जगह लेकर बैठी जाते हैं, सब आगे आगे आ जाओ, जो पीछे आए ना वो बैठ सके, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी आगे और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ ये कोई सरकना नहीं जा रही तो बोले हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे
Thank you.
क्या है, सबसे मीठा नाम क्या है और कौन सा नाम में सबसे ज्यादा शक्ति है, ये माँ पार्वती शंकर जी को प्रश्न करते हैं। तब शंकर जी पहले बोले, पार्वती जितने भगवान के नाम में जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, बोले आराधना नाम सर्वेशान विष्णु आराधना पर, जितने आराधना में विष्णु का जो आराधना सर्वश्रेष्ठ, मैया पार्वती विष्णु सहस्र नाम रोज रोज कर 1000 नाम। कुछ दिन बाद में शंकर जी फिर बुलाए, बोले पार्वती ये विष्णु सहस्र नाम से भी एक प्यारा नाम है। बोले कौन सा नाम है, बोले राम रामे तिरमे तिरम राम रामे, जो भगवान राम का नाम उससे भी प्यारा नाम, जो 1000 नाम लेने से जो फल मिलेगा एक बार राम नाम लेने से वही फल मिलेगा। मैया पार्वती राम का नाम जप करती थी, जब कुछ दिन राम का नाम जप की फिर शंकर जी बुलाए, बोले पार्वती इससे भी एक मधुर नाम है। बोले कौन सा नाम है, बोले ये भगवान कृष्ण का नाम है। बोले सहस्त्र नाम नाम पुण्य नाम तेरा विश्वास जब फल, मतलब 3000 विष्णु का नाम लेने से जो फल मिलेगा, जब एक बार केवल कृष्ण नाम बोल दिया तो वही फल मिलेगा। मतलब एक कृष्ण समान 3 बार राम का नाम और 3000 विष्णु का नाम, ये 16 कला में परिपूर्ण कृष्ण है पार्वती। अभी पार्वती कृष्ण का नाम जब कर, कुछ देर बाद में शंकर जी फिर बुलाए, बोले पार्वती ये कृष्ण नाम से भी एक मधुर नाम है। बोले प्रभु आप तो बता रहे थे कृष्ण 16 कला में परिपूर्ण, वही सर्व कारण का कारण है। कृष्ण को बोल रहे थे पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण, आप फिर बोल रहे हो उनसे भी एक श्रेष्ठ और मधुर नाम। बोले मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये कृष्ण खुद कह रहे हैं। बोले किसको बोले, बोले चंद्रमा को ये बात बताया, ये बात उनने चंद्रमा को बताई। बोले चंद्रमा, बोले मम नाम सतनापी राधा नाम सदुतमम, जा करोति सदा राधा ना जाने महिमा की। बोले चंद्रमा मेरे नाम को अगर 100 बार कोई ले और एक बार अगर कोई श्री राधा रानी का नाम ले, मेरे 100 नाम समान एक राधा नाम, एक राधा नाम समान मेरा 100 नाम लेने का फल मिलता है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, इसलिए किसी को कृष्ण कृष्ण नहीं बोलोगे। कृष्ण कृष्ण बोलते हो किसको नहीं देखो, क्या बोलते हैं, जोर से बोलो और जोर से। फिर पार्वती बोली प्रभु आज तक मैं बोले राधा ही राधा बोलूंगा और मुझे बोलूंगा कि नहीं। शंकर जी बोले पार्वती इसी में भी रहस्य। बोले फिर और क्या रहस्य है, बोले पार्वती राधे राधे रट चले आएंगे, वो राधा रानी का नाम लेकर राधा रानी नहीं आएगी। बोले वहां पर कौन आएंगे, बोले बिहारी जी आएंगी। बोले अगर तुम बिहारी जी कृष्ण कृष्ण बोलोगे ना, फिर वहां पर सिर्फ राधा रानी आती है। राधा का नाम से कृष्ण खुश होते हैं, कृष्ण नाम से राधा रानी खुश होती है। बोले प्रभु आप तो बड़े कंफ्यूज में डाल दिया है, बताओ राधे राधे बोलो ना कृष्ण कृष्ण बोलो। शंकर जी कहते पार्वती आप चुगल नाम को ग्रहण करो, राधा कृष्ण दोनों का नाम ग्रहण करो। बोले कैसे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। भगवान का जितने नाम में सबसे मधुर नाम ही हरे कृष्ण मात्र। हरे मतलब श्री राधा रानी, कृष्ण का मन को जो हरण करती है, कृष्ण मतलब जो सबका मन को जो आकर्षण करे, क्री मतलब आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना, हमारा चंचल मन को जो आकर्षण करके आनंद प्रदान करते हैं, और राम मतलब है राधा जी को साथ में जो रमण करते हैं, वो रास बिहारी श्री राम है। ये जो जुगल नाम ये महामंत्र श्री राधा कृष्ण का ही नाम है। बोले प्रभु ये नाम को कैसे जप करनी चाहिए, देखो ध्यान देकर सुनो, कभी ये नाम को कैसे जप करनी चाहिए। बोले नियम है ये नाम को तुलसी माला से जप करनी चाहिए। कैसे, तुलसी माला में जप करनी चाहिए, क्योंकि जो तुलसी है हम कहते ना वृंदा तुलसी देख गई
प्रिया अई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवती नमः नमः। ये तुलसी ये भगवान की प्रेयसी है, इसलिए राधा रानी कृष्ण को कैसे प्राप्त करती, ये गर्ग संहिता में बताया कि राधा रानी रोज ये तुलसी की पूजा करती थी, तुलसी की पूजा राधा रानी करती थी, ये तुलसी कृपा से ही उन्होंने श्री श्याम सुंदर को कृष्ण को प्राप्त की। इसलिए जो कृष्ण भक्ति को प्रदान करने वाले, राधा कृष्ण को जो मिलन कराने वाले कौन है, ये तुलसी है। इसलिए भगवान स्वयं गले में ये तुलसी की माला कृष्ण स्वयं धारण करते हैं, है? इसलिए नियम है ये तुलसी माला में ही जप करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी में जब हमारा हाथ स्पर्श होता है उसमें एक दिव्य शक्ति निकलती है, वाइब्रेशन निकलती है। इसलिए बोले जो तुलसी कहते जीव का आठ तरह से कल्याण करती है, कितने तरह से, बोले आठ तरह से कल्याण करती है। देखो पुराण में श्लोक, बोले दृष्टा स्पिष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुता, बोले कैसे, बोले दृष्टा अगर तुलसी को आपने दर्शन कर लिया बस तुम्हारा कल्याण होगा, केवल दर्शन मात्र से ही। इसलिए देखना पहले हर हिंदू घर को सामने तुलसी बिखर रहता था, इसलिए हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए गए उन्होंने क्या देख करके उतर थे, हनुमान तो विविधा में पड़े गए थे, भैया यहाँ पर तो नरम गए आपके से, मैं उतरू का उतरू कहाँ पर। लेकिन हठात उन्होंने एक तुलसी की बगीचा को देखी, बोले तुलसी बगीचा, ये तो किसी भक्तों का दरबार भी तुलसी बगीचा होता है, ये रावण लंकापुरी में तुलसी बगीचा कहाँ से आ गई। फिर हनुमान जी उतर, फिर उन्होंने देखा घर के सामने लिखा हुआ श्री राम, बुलाए मेरे प्रभु का नाम इन लंका में, मेरे प्रभु का नाम कैसे यहाँ पर। हाँ देखो यहाँ पर श्री ध्यान देकर देखो, ये विभीषण शिक्षा देते हैं भक्ति करना तो कैसे भक्ति करनी चाहिए, बहुत बड़ी शिक्षा दी। इसने जाकर के रावण से चुगली कर दी, बोले रावण तू तो राम को शत्रु मानते हो, बोले हाँ, बोले तेरे घर में राम का सबसे बड़े भक्त तो तेरे घर में बैठा हुआ, बोले कौन, बोले तेरे सगे भैया विभीषण, बोले तेरे को पता कैसे चला, बोले जा देख उसको घर को सामने क्या लिखा हुआ, देखो रावण तो भागते भागते आया, सचमुच से लिखा हुआ श्री राम, बोले विभीषण मेरे शत्रु का नाम तुमने कैसे लिख दिया, बोले कहाँ आपका शत्रु का नाम, बोले क्या है श्री राम, बोले राम का नाम आपको कैसे दिख रहा है, मैं तो अपना भाभी भैया को ज्यादा प्रेम करता हूँ ना इसलिए नाम लिखा था, बोले कैसे, बोले आपका नाम क्या बता, बोले रावण, बोले रावण का पहला अक्षर क्या, बोले रा, बोले भाभी का नाम क्या, बोले मंदोदरी, बोले पहला अक्षर क्या, बोले म, बोले श्री राम, बोले श्री रावण और मंदोदरी, बस खुश हो गया। आप देखना यहाँ पर शिक्षा देते हैं ये कलयुग है, अगर बेटा अगर शराब पी ना सिगरेट फूंकता है जुआ खेलता है लड़की बाजी करता कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर पत्नी अगर उल्टा पुलटा कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा गले में कंठी पहन ले तिलक लगा ले, बोली कौन सा बीमारी पहन लिया, ये सब कंठी तिलक माला क्या है, ये अभी से ही क्या भजन करना तुमने शुरू कर दिया, गंदे काम कर कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रभु का भक्ति करो ना, ये कलयुग है ना, ये कलयुग है, आपको कलयुग में भजन करने नहीं देगा आपको। इसलिए जो यहाँ शिक्षा देता है विभीषण, भक्ति करना तो विभीषण जैसे है, इसलिए कैसे विभीषण जैसे भक्ति तो प्रभु का प्रेम करता है, रावण को खुश करने के लिए उन्होंने ये बात बता दिया। इसलिए भक्ति अपना हृदय में करो, और ऊपर से अगर कोई भक्ति का विरोध करते हैं लेकिन आप ऐसे उनको ऐसे बोली बोलो जैसे वो समझ जाए और तुम्हारी भक्ति हो जाए, लड़ाई झगड़ा करने का जरूरत नहीं, भक्ति अंदर अंदर में रखो, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने हनुमान जो उतारा था क्या देख करके उसने उतारा था, केवल तुलसी वृक्ष देख करके उन्होंने उतारा था। इसलिए कहता अगर तुलसी को दर्शन अगर किसने कर दिया, क्योंकि भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए अपने आप को कहाँ रख कर गए, बोले ये तुलसी वृक्ष में ही अपना स्वरूप रख कर गए, ये तुलसी वृक्ष में। इसलिए हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले बांके बिहारी, बोले वृंदावन में क्यों बांके बिहारी, बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहाँ तुलसी का वन वहीं पर भगवान है। इसलिए कहते केवल अगर तुलसी वृक्ष, जैसे आप कोई शुभ काम में जा रहे हो याद रखो आप जाते समय जरूर तुलसी को प्रणाम करके जाना, देखना
दर्शन करके जाना, जो काम के लिए जा रहे हो ना वो काम तुम्हारी जरूर हो जाए, क्योंकि उसमें लक्ष्मी तुलसी लक्ष्मी है और नारायण दोनों उसमें निवास है। बोले दृष्टवा, दर्शन मात्र से कर जा। स्पर्शा मतलब होता है स्पर्श करना, जैसे गले में हम तुलसी कंठी धारण करके रखते, ये शरीर को स्पर्श कर रहा है, इसमें भी कल्याण होता है। इसलिए जब महाराज दूतों को कहते हैं, बोले जो मेरे प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं उनको पकड़ करके ले आओ, बोले पता कैसे चलेगा और भक्ति करता नहीं करता। उन्होंने बताया देखो दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते हैं उनके गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर के कुत्ते हैं, और जिसकी गले में पट्टा नहीं वो कौन है, वो फालतू कुत्ते हैं। कल देखना पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए गले में तुलसी कंठी हो तो हम भगवान की पालतू है। जब महाराज कभी भी आग उठा करके, जब दूत कभी भी तुम्हारे ऊपर में आग उठा कर नहीं देखेगा, बोले क्यों, गले में तुलसी कंठी मतलब है जैसे ठाकुर को जो कुछ भोग लगाओ जब तक उसमें तुलसी तल नहीं देते ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते। उसी तरह जब तक गले में तुलसी कंठी हमारी नहीं तब तक ये शरीर पवित्र नहीं, अपवित्र मानी जाती है। ये शरीर से ठाकुर के लिए कोई खाना नहीं बना सकते हो, ठाकुर को तुम भोग नहीं लगा सकते हो। इसलिए हमारे वैष्णव धर्म में नियम है जब कोई गुरु जी को पास में आता है सबसे पहले उसको कंठी देकर के पवित्र बनाते, उसको बाद में ठाकुर सेवा की आप अधिकारी बनते हो, नहीं तो जिनकी गले में कंठी नहीं आप ठाकुर के लिए कोई भी चीज बनाने का लायक नहीं। इसलिए वैष्णव धर्म में सबसे गले में तुलसी कंठी तुम्हारी होनी चाहिए। इसे स्पर्श स्पर्श दृष्टा स्पर्शा तथा ध्याता, ध्याता मतलब होता है ध्यान करना, तुलसी को ध्यान करो। देखो हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना वो कहते थे, महाप्रभु जैव धर्म ने बताया तुम्हारी मन हरिनाम में नहीं लग रहा है, मन बड़ा चंचल हो रहा है, हरिनाम कर तो इधर उधर भटकता है। देखो ध्यान लेकर सुनो क्या करनी चाहिए, ये मन भजन में लगेगा। बोले सामने तुलसी वृक्ष, आप तुलसी वृक्ष में लक्ष्मी नारायण है, आप तुलसी वृक्ष को सामने रखकर, महाप्रभु जब हरिनाम करते थे तुलसी वृक्ष सामने रखकर करते थे, आप रख करके सामने बैठ गए हरिनाम, देखना मन तुम्हारी चंचलता नहीं होगी, मन भटकेगा नहीं, मन को शांति मिलेगी। सामने तुलसी वृक्ष है उसका जो वाइब्रेशन है और उसमें लक्ष्मी नारायण की निवास है, हाँ ये नियम है। हरिनाम करते समय सामने तुलसी रख करके उनका दर्शन करते करते हम हरिनाम करो, देखना मन तुम्हारी भजन में लग जाए। इसके तथा ध्याता रोपिता, रोपिता मतलब होता है तुलसी वृक्ष को लगाना। कहते जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष को लगाता है बोले तुलसी वृक्ष नहीं लगा रहे हो, अपना हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी बीज को तुमने बो दिया। अगर तुलसी वृक्षों को आपने अगर रोपण कर दिया बोले बहुत बड़ा पुण्य है तुलसी वृक्षों को रोपण करना, है बोले कीर्तिता, कीर्तिता मतलब तुलसी की महिमा को खाना, और सेविता तुलसी में पानी दो रोज। घर में तुलसी वृक्ष है, किसको किसका है तुलसी वृक्ष, बाबा ने बहुत अच्छी बात है, बहुत घर में तुलसी वृक्ष होगा ना जमदूत नहीं आएंगे, घर में लक्ष्मी बढ़ेगी। देखो जिसकी घर में इस हमारे संत लोगों ने बताया, देखना जिसकी घर में जितने तुलसी वृक्ष होगा ना सुंदर वृक्ष होगा। अब देखना किसी किसी घर में तुलसी जिंदा ही नहीं देखा मर जाता है, और किसी किसी घर में देखना तुलसी बढ़िया वृक्ष होता है। इसलिए संतों का कहना है जिसकी घर में तुलसी वृक्ष जितनी सुंदर, माँ लक्ष्मी उतना कृपा होगी, उसकी भक्ति उतना बढ़ेगी, उतना भक्ति बढ़ेगी, और उसकी घर में लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। क्यों, ये तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूप है। इसलिए जब जो तुलसी की सेवा करते हैं तुलसी को रोज सवेरे नहा धो करके पानी देना, पानी देते हो कि नहीं तुलसी में, हाँ रोज तुलसी में पानी देना, उसमें भगवान की भक्ति बढ़ती है। इसलिए यहाँ प्रश्न करते हैं भगवान के नाम कैसे जप करनी चाहिए, बोले तुलसी माला से जप करनी चाहिए। तुलसी माला से जप करने से केवल तुम्हारे हाथ जब तुलसी माला में अपने आप टच हो जाए लग जाए, अपने आप हृदय में प्रभु की भक्ति अपने आप बढ़ती रहे, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपिणी। भले यहाँ पर जो नाम है कैसे जप करनी चाहिए, ध्यान देकर सुनो कैसे नाम जप करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैंने तुम लोगों को ये हरिनाम दिया है, लेकिन हरिनाम को कैसे जप करो? बोले यह जप किया सबे करिया निकल, नाम को नियम करके जप करो, उसमें बीच न करो। इतने माला हमें करना, कम से कम 16 माला से तो नीचे कभी उतर भी नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए 1,00,000 तक जैसे नाम हो। पहले हम बताया था ना, जब श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। महाप्रभु बोले देखो सबके घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में करते हो? बोले जो लखपति हो। और उसी समय 5.5 साल पहले लखपति कोई साधारण बात नहीं था, एक एक रुपया मतलब एक एक स्वर्ण की भोर। बोले प्रभु जिंदगी में हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण भोर, 10 रुपया भी मिलना कठिना। मेरे पिताजी कहते थे 1 रुपया, मेरे पिताजी कहते हम 1 रुपया रास्ता में ले करके जाने का डरते थे। मेरे पिताजी कहते थे हमारे समय में इतने बड़े बड़े चांदी के रुपया होता था, 1 रुपया हम कमर में ले जाने के लिए रास्ता में डरते थे, भाई चोरी नहीं हो जाए रास्ता में, चोरी नहीं हो जाए। और ये 5.5 साल पहले का बात। बोले प्रभु हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते, 100 रुपया 10 रुपया भी मिलना कठिन, अरे हमारी घर में क्या भोजन नहीं करोगे? महाप्रभु बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वो असली लखपति है। इसलिए विरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली। जगत में माला माल हो गए, तुलसीदास मीरा हैं, देखो जगत में सारा दुनिया जिनके नाम लेते हैं, लेकिन जगत का जो पैसा 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 करते करते गए लाख में मुट्ठी बांधी आया जगत में हाथ पसारे जाओगे, ठीक है ना। अगर हम किसको थोड़ी बोलते हैं भैया हरिनाम थोड़ा ज्यादा करे करो, बोले कहीं बच्चों के लिए इतना पैसा कमा कर रख दे क्या है? हमारे गुरु जी कहते थे बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत रखा करो, मना करते। बोले क्यों? बोले जो पिता जितने ज्यादा पैसा रख करके जाता है उसका बच्चा उतना ही बिगड़ता है, उतना शराबी जुआरी और जितने मांस मदिरा वही बच्चा बिगड़ता है। अब देखना दुनिया में जितने बच्चे के लिए जमा करके जाओ, क्योंकि उसको तो पता नहीं कितना कितना कष्ट करके कमाया, और आंख बंद करते गया तुम्हारी सारे पैसा,
लेकिन ऐसे धन कमाओ जो इसी जीवन में भी धनी बनो और दूसरे जीवन में भी धनी बनो। हैं, आंख बंद करते ही ये पैसा यहीं रह जाएगी, साथ में केवल प्रभु का नाम रूपी धन जाएगी। इसलिए मीरा कहती है, दिन दिन बढ़त सवाय पायो जी में राम रतन महर। ये धन को कमानी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जो लग एक लाख हरि नाम करेगा उसको धन में हम भोजन करेंगे। मेरे तरफ में देखो, पहले अमिताभ बच्चन बोलता था ना, एक सीरियल आता था करोड़पति कौन बनेगा, क्या आता था ना, क्या बोलते थे, कौन बनेगा करोड़पति। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कौन बनेगा लखपति। आप मेरे तरफ में देखो कैसे लखपति बनोगे, जैसी ये माला है, हैं, एक तरफ मोटी और एक तरफ छोटी, ये जो बीज है ये राधा कृष्ण है, ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है, बीच में ये राधा कृष्ण का रख करके ये रास कर रहे हैं, ये माला नहीं, ये भगवान की रास लीला है, ये एक एक गोपियां हैं, वह एक एक जूत है, ग्रुप है, इसलिए ये अंगुल पर टच नहीं करवाते हैं, बीच वाले अंगुल को ऊपर रख करके नाम करते हैं। नाम करने से पहले, अब तो पुराने लोग हैं तब भी एक बार बोल देता हूँ, एक बार पहले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदाशिव, क्योंकि भगवान कलयुग में ये पंच रूप धारण करते हुए आए और जगत में हरि भक्ति को उन्होंने प्रचार किया है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य मतलब स्वयं कृष्ण, नित्यानंद मतलब बलदेव प्रभु, अद्वैत मतलब सदाशिव, गदाधर ये राधा रानी श्रीवास नारद। इसलिए कलयुग में पंच रूप में आकर के सर्वत्र हरि भक्ति को उन्होंने प्रचार किया। इसलिए नाम करने से पहले एक बार इनका नाम लेकर के फिर हरे कृष्णा बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके एक मोती सर करनी चाहिए, और दो बार बोल करके दो मोती, तीन बार में तीन मोती, जब एक बार नाम लिया क्या हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया एक नाम में। इसमें 108 मोती हैं। जब माला जब करते करते यहाँ समाप्त हो जाए इसको पार मत करो, क्योंकि ये राधा कृष्ण है, फिर इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे इसको घुमा दो, फिर छोटे तरफ से करनी चाहिए। अगर हमने 16 माला कर लिया ना हो जाता है 25,000, अगर 64 माला कर लिया तो हो गया 1,00,000। ये भगवान खुद कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं की, आज तुम्हारी बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गया। बोले भैया ब्याज मिलनी चाहिए, बोले कितना ब्याज मिलेगी, बोले दिन दिन बढ़त सवाय। अगर आज 1,00,000 नाम किया ना, कल तुम्हें 1,25,000 रुपया मिलेगी, और 4 दिन में डबल, 4 दिन में 2,00,000। लेकिन ये दुनिया की पैसा कमाते कमाते गया तो आग बंद करते ही, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जाएगा, सब यही छोड़ कर जाना पड़ेगा। ये ऐसे एक धन है, अगर इसको अगर कोई पति कमाएगा तो पत्नी नहीं दे सकती है, जिसको पत्नी कमाएगा पति नहीं दे सकता है, पिता माता कमाएगा तो बेटा नहीं ले सकता, बेटा कमाएगा तो पिता माता नहीं ले सकते। ये धन जो कमाएगा केवल वही मालिक, और अगले जीवन में ब्याज समेत मिलेगा। इसलिए बोले नाम कैसे करनी चाहिए, महाप्रभु का तो संख्या रख करके, मतलब इतने माला हमें करना, कम से कम 16 माला से नीचे कभी उतरनी नहीं चाहिए। इसलिए हमारे जो प्रभुपाद कहते थे, जिसने संपूर्ण विश्व में ये सनातन धर्म प्रचार किया, बोले भगवान 24 घंटा दिया, 24 आवर दिया है, वो कहते थे भैया 8 घंटा सो, 8 घंटा सोने के लिए बहुत है, 8 घंटा काम करो और 8 घंटा भजन करो, उनका ये भक्ति है। आप बोलोगे भैया 8 घंटा तो काम के लिए काफी नहीं, बोले 10 घंटा कर लो, नहीं तो 12 घंटा कर लो, बहुत है ना, 12 घंटा काम बहुत है, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं करते है ना, 8 घंटा सो लो, 8 बार कितना हो गया, 8 बार कितना हो गया 20, अभी कितना घंटा बच रहा है 4, कम से कम 4 घंटा तो भजन करो, उनका कहना है। अगर एक दिन में लखपति नहीं बन पाए, 4 दिन में तो लखपति बनो, अगर दिन में अगर 16 माला करोगे तो फिर क्या होगा, 4 दिन में 1,00,000 हो गया है ना, 4 दिन में 1,00,000 हो गया, और यही धन ही हमारे साथ में जाने वाले हैं। इसलिए हरिनाम कैसे करनी चाहिए,
बोले ठीक से नंबर कर करके इतने माला करेंगे। देखो ध्यान देकर सुनो, ये बड़े गुरु जी कहते थे, अगर एक दिन अगर हमने माला जप नहीं किया, गुरु जी से माला नहीं, एक दिन तुमने माला जप नहीं की, ये माला कौन है? कृष्ण स्वरूप, हरि से बड़ा हरि का नाम है। कलयुग में भगवान ये नाम रूप में आए, अगर एक दिन अगर हमने ये माला जप नहीं की, मानो आज भगवान दिन भर भूखे रहते, भगवान को स्नान नहीं कराया, भगवान के वस्त्र नहीं बदलाया, भगवान को हमने भोग नहीं लगाया, अगर हमने माला नहीं जप की तो। अगर एक दिन अगर वस्त्र मत बदलाओ, भोजन मत पर अच्छा लगेगा? इसलिए माला कभी भूखा नहीं जानी चाहिए। कभी जब गुरु से माला ले, कुछ माला जरूर करो, खाने से पहले तो जरूर कुछ माला करके भोजन करो। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख हरिनाम करते थे। कितना माला करते थे? 3 लाख, मतलब 3 बार 64 64 64 3 बार करते थे। जब वो वृद्ध हो गए, अंतिम सज्जा में लेट हो गए, शरीर छोड़ने वाले, एक दिन चैतन्य महाप्रभु के पास में प्रसाद लेकर के आए, बोले हरिदास प्रसाद लो। ध्यान देकर सुनो, बोले आज मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले आज हमने अपना 3 लाख हरिनाम नहीं कर पाए, 3 लाख नाम पूरी नहीं कर पाए। महाप्रभु बोले हरिदास, तुमने जिंदगी भर 3 लाख हरिनाम किया, अभी वृद्ध हो गए हो, अरे कम से कम थोड़ा कम तो करो। देखो क्या कहते हैं, बोले प्रभु मेरे शरीर तो चंगा है, शरीर तो सुस्त है, लेकिन असुस्थ बुद्धिमान मेरा जो मन है ना प्रभु, ये भाव दुष्ट है, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। शरीर चंगा है, अगर शादी के लिए जाना हो ना, 10 दिन पहले से बैठे रहेंगे, वो कौन सा साड़ी, कौन सा सूट सलवार, कैसे घड़ी या चीन के पहन के ले जाएंगे। सिनेमा के लिए बढ़िया कोई गंदी सिनेमा आ गया ना, 5 घंटा घर का काम 2 घंटा में लिख जाएंगे, 3 घंटा निकालेंगे। लेकिन जब ये मन को बोलो भैया हरिनाम करो, बोले समय कहाँ है, समय कहाँ है हमारे पास, ये मन इतना दुष्ट। इसलिए वो कह रहे प्रभु मेरा मन दुष्ट है। इसलिए हमारे जो गुरु जी जो प्रभुपाद कहते थे, बोले सवेरे उठो अपना जूती लो, सवेरे उठ कर क्या करो, अपना जूती लो और ये मन को 100 बार मारो, पिटाई करो ये मन को। क्यों? ये मन गंदी काम में तो आसानी से जाता है, लेकिन जब भजन की बात बताओ ना, 1000 बिना फालतू के बिना काम के काम निकलता है, उसके लिए बहाना ढूंढता है, लेकिन गंदी चीज के लिए मन कोई बहाना नहीं ढूंढता। इसलिए बोले कैसे नाम करने चाहिए, बोले फिक्स नंबर रख करके इतने माला हम करेंगे। ठीक है, प्रश्न है ऐसे क्यों, जितना हो उतना करो ना, अरे ये फिक्स नंबर क्यों रखेंगे, प्रश्न होता है ये फिक्स नंबर क्यों रखेंगे, बोले कारण है हम भक्ति में बढ़ रहे हैं ना, भक्ति हमारा घट रही है, पता कैसे चलेगा? जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन वो स्कूल में जाकर के नाम स्कूल का लेकर के पढ़ाई करता ना, स्कूल का नाम लेकर के बच्चों को साथ में खेल कूद करके आ जाता है, पता कब पड़ेगा, जब एग्जाम आए, जब परीक्षा पेपर आए, जब वो मार्क लाए ना, वो मार्क से पता चलता बच्चा कितना पढ़ाई किया। उसी तरह हमने भजन कर रहे ना नहीं कर रहे, कैसे